जो ही प्रोग्राम इल्म अदब ऐं इंसानियत जे सरवाण जनाब मोहम्मद इब्राहिम जोयो के खराज तहसीन पेश करण जे लाइ रखियो वियो आहे. सिंध जे सियासतदाननि जो, सिंध जे शागिर्दनि जो, सिंध जे अदीबनि जो ऐं सिंध जे आलिमनि जो उस्ताद थियो. जोयो साहब बिल्कुलु हिकिड़ो हम्बल साबिर शाकिर किनायत पसंद ऐं जंहिं पंहिंजे दिलि ते लिखी छॾियो हो त ए अलाह मूंखे ख़्वाहिशनि जो मुहताज न कजां. आप तसवुर नहीं कर सकते कि जोयो साहब जब साहब तक होते थे सामने तो आपके दिल में कितने हज़ारों बरस की तारीख उमड़ आती थी. एक लम्हे के लिए भी ज़िंदगी में मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि यार काश जोयो साहब ऐसा न कर दे ऐसा कर दे. वो एक बेमिसाल इंसान था, सादा, सब कुछ जानने वाले, गैर मामूली, इस दुनिया के हज़ारों करोड़ों साल ऊपर, लेकिन मासूम. उनकी शख्सियत में सबसे बड़ी बात एक कमिटमेंट, ज़िंदगी से कमिटमेंट, अपने माहौल से कमिटमेंट, अपने लोगों से कमिटमेंट और अपने आसपास और इलाके से कमिटमेंट था. यही कमिटमेंट था जिसके सहारे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की. साईं इब्राहिम जोयो लगभग एक सदी तक हमारे सर पर शजर सायादार की तरह कायम रहे और हम उनकी सियासी दानिश और अदबी बीनिश से इस्तेफादा करते रहे. उनकी रुख्सत हम सब का ज़ाती नुकसान है. वो एक ऐसे अबकरी और नाबगे रोज़गार थे कि जिससे हम महरूम हुए. जो हिसाब भेटा दियण चवान थी जे हाँ नहारी कोहारल ही नीं घारे वेंदासीं छो पेर पसारे वेठो आ उत डूंगर डारे वेंदासीं. जोयो साहब के हिकड़ी किस्म जो असां चई सघूं था त रहनुमाईअ जो उस्ताद हुअण जो जेको रुतबो हासिलु आहे उहो सदा ई रहंदो. पाण भले असां में न बि मौजूदु हुजे, संदसि किताब जेके आहिनि से असांखे हमेशह गाइड कंदा रहंदा. सिंध मदरसुल इस्लाम, उसका नाम सुनते ही जो नाम हमारे ज़हन में आते हैं उनमें से एक नाम जोयो साहब का भी है. ये इमारत आज गवाही दे रही है कि उनका यहाँ आना, यहाँ रहना, यहाँ पढ़ना, यहाँ से निकलना एक बहुत बड़ी तारीख है. 1942 से टिल 2016 तक एक भी ऐसा जुमला, एक भी ऐसी बात उसमें नहीं थी जिसमें वो कहते कि मुझसे गलती हो गई. जो उन्होंने लिखा उस बात पर वो मरते दम तक कायम रहे. साईं इब्राहिम जोयो जंहिंजे का बेदारी सिंधियत ऐं सिंध जे सिलसिले में पैदा कई, या असांखे कॾहिं विसारण में न खपे ऐं न वरी विसारींदासीं. एक ऐसा अज़ीम सपूत सिंध का जिसने अपने लोगों की बेतहाशा खिदमत की, जिसने अपने मफादात को कभी नहीं देखा, हमेशा इस मुल्क के, इस कौम के, इस सूबा सिंध के जो लोग हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, तालबे इल्म हैं, उनके मफादात का उन्होंने ख्याल रखा. आज का दिन सिंध मदरसतुल इस्लाम की तारीख का एक अहम दिन है कि आज एक ऐसे शख्स को यहाँ पर लोगों ने खराज अकीदत पेश किया जो किसी न किसी सूरत में उनसे वाबस्ता थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. और सिंध मदरसा फ़ख्र करता रहेगा हमेशा कि इस इदारे ने ऐसे सपूत पैदा किए, मोहम्मद इब्राहिम जोयो जैसे सपूत पैदा किए जिन्होंने एक नई तारीख रकम की. इतिहास के पन्नों पे वो अपना नाम छोड़ गए.